हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन का पार्ट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस भी आपको करा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही अपने A4 शीट पे लेके आती हूँ, ताकि आप लोगों को एक फेयर व्यू मिल सके कि एक्चुअली में क्वेश्चंस करना कैसे होता है। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 103 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए बी क्या है, एक बिजनेस में पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वर 6,40,000 एंड 4,60,000 रिस्पेक्टिवली। उनका देखा जा रहा है, उनका कैपिटल साल के आखिरी में, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, जो कि है 6,40,000 और 4,60,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016, एस ड्रॉइंग एंड बीस ड्रॉइंग वर 1,20,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। ए ने 1,20,000 पूरे साल भर में निकाला था और बी ने 1,40,000 पूरे साल भर में निकाला था। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर 4,00,000। वहाँ जो प्रॉफिट था वो 4,00,000 था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March। हमें 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है और हम जानते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल में से हम प्रॉफिट को लेस करते हैं और ड्रॉइंग को ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 6,40,000 और बी का था 4,60,000। इनका प्रॉफिट कितना था, 2,00,000 और 2,00,000, मतलब प्रॉफिट क्या था, 4,00,000 रुपीज था। और जब शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4,60,000 ड्यूरिंग द ईयर 31st March 1,00,000, हाँ 4,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, मतलब हम समझ जाएंगे उन दोनों को इक्वली बटा होगा। तो 2,00,000 जो उनको शेयर बटा था प्रॉफिट का, वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जब हमने इसको लेस किया तो आया 4,40,000 और 2,60,000। इसमें से उन्होंने जितना ड्रॉइंग किया है वो ऐड कर देंगे। ए ने 1,20,000 ड्रॉइंग किया था और बी ने 1,40,000। तो ये जब हमने ऐड किया तो बैलेंस आया 5,60,000 और बी का आया 4,00,000। अब इस अमाउंट पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 12% का। तो 5,60,000 का जब हम 12% निकालेंगे तो 2,0 से 2,0 कैंसिल चला जाए हो जाएगा, और 12 से जब आप इसको इंटू करोगे तो आएगा 67,200 रुपीज। इसी तरह सेम क्या होगा, यहाँ पे नीचे 100 भी आप लिख सकते हो और यहाँ भी नीचे भी 100 लिख सकते हो, परसेंट का साइन नहीं होगा। ठीक है, 2,0 से 2,0 कैंसिल, 4,000 को 12 से इंटू करोगे तो आएगा 48,000, 12,4 = 48 और 3,0 का 3,0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। इस क्वेश्चन में हमारा यहीं तक पूछ रहा था, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन माई कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।